किंग खान ने पीएम मोदी को किया बर्थडे विश। पीएम के किस काम को बताया सराहनीय। पीएम को दी कौन सी खास सलाह। आज यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। जी हाँ, वो 72 साल के हो चुके हैं और पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके फैंस दुनिया भर में हैं, इसीलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर दुनिया भर से तमाम आम और खास उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। पीएम का ये जन्मदिन और भी खास बन गया है क्योंकि आज नामीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं, जिन्हें खुद पीएम ने ही पार्क में छोड़ा है। विपक्ष के नेताओं ने बधाई संदेश भेजे तो इस मामले में फिल्मी हस्तियां भी पीछे कहां रहने वाली थीं। बॉलीवुड के किंग खान, कंगना रनौत, अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी सितारों ने उन्हें बर्थडे विश किया। शाहरुख खान ने पीएम को विश करने के साथ साथ एक भावुक बात भी अपने ट्वीट में लिखी और इसके साथ लेकर अपना बर्थडे एंजॉय करने को कहा। शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी के काम की काफी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए आपका समर्पण बहुत ही सराहनीय है। आपके पास अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति और स्वास्थ्य हो। एक दिन की छुट्टी लीजिए और अपने जन्मदिन का आनंद लें सर। जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने पीएम के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से लेकर इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने तक क्या ही अविश्वसनीय यात्रा है। हम आपके लंबे जीवन की कामना करते हैं, लेकिन राम की तरह, कृष्ण की तरह, गांधी की तरह आप अमर हैं। आपकी विरासत को कोई भी मिटा नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको अवतार कहती हूँ। आपको हमारे नेता के रूप में पाकर धन्य हो गए। इनके अलावा अक्षय कुमार ने भी पीएम की तारीफों के पुल बांधते हुए लिखा कि आपकी दूरदृष्टि, आपकी गर्मजोशी और काम करने की आपकी क्षमता जैसी आपकी कुछ चीजें मुझे प्रेरित करती हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी, आपके स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले गौरवशाली साल की कामना करता हूं। पीएम के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चिनूक हेलीकॉप्टर में 8 चीते मंगवाए गए हैं, जिन्हें आज अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ही नेशनल पार्क में छोड़ा। नामीबिया से चीते इसलिए मंगवाने पड़े क्योंकि 70 साल पहले भारत से चीते विलुप्त हो गए थे। ऐसे में इन प्राणियों को भारत में दोबारा रखने के लिए 8 चीतों को मंगवाया गया है, जिनमें से 5 मादा तथा 3 नर हैं। साथ ही इनके नेशनल पार्क में रहने व इनकी सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।